हेलो गाइस, एक बार फिर से मोस्ट वेलकम आप सभी का एक और शानदार वीडियो में। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी लोग बढ़िया हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे गाइस आप सभी अपने किसी भी आईफोन में इस तरीके की एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं, शेप कर सकते हैं। गाइस यही नहीं, आप जो इन एप्लीकेशन को होम स्क्रीन पर या फिर लॉक स्क्रीन पर भी सेट कर सकते हैं। जी हाँ, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा ऑसम रहने वाली है एक आईफोन यूजर्स के लिए। एंड ये ट्रिक को अप्लाई करने के गाइस बाद जो है आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं आपसे डेफिनेटली पूछेंगे कि ब्रो ये आपने कहाँ से गेट किया, कैसे करना है, क्योंकि दोस्तों वाकई में काफ़ी ज़्यादा कूल लगती चीज़। एंड यही नहीं, गई सारी की सारी एप्लीकेशन वर्क भी करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी सेटिंग्स एप्लीकेशन को ओपन करना चाहता हूँ तो सिंपली इसमें क्लिक करूँगा एंड दिस तरीके से क्लिक करते ही सामने जो हमारी जो यहाँ पे सेटिंग्स एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। ये गाइस काफ़ी ज़्यादा ऑसम लग रही है एंड आपके आईफोन को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ कर देने वाली है। जी हाँ, तो फिर चाहे गाइस आप एक आईफोन 5S यूज़ करें, 6, 6 प्लस, 7, 8, XR 10, 14, 13 कोई सा भी मॉडल डिवाइस है, आप सभी में गाइस इस चीज़ को डन कर पाएंगे। तो चलो गाइस आप वीडियो को कर लेते हैं शुरू। एंड गाइस आपको बताते हैं कैसे गाइस आपने इस ऑसम से गाइस यहाँ पे लुक देनी है अपने आईफोन्स में, जो कि आपके दोस्तों को बिल्कुल ही गाइस हैरान चकित कर देने वाली है। तो चलो गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड जी दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से मेक श्योर यार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता है कि चैनल में सिर्फ और सिर्फ आईफोन से रिलेटेड ही डेडिकेटेड वीडियोज़ लेकर आता हूँ आप सभी के लिए, यूजफुल, इंटरेस्टिंग एंड गाइस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं वीडियोज़। तो प्लीज़ इस चैनल को फ्री ऑफ कॉस्ट यार सब्सक्राइब कर लें, साथ में तो बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि मैं कोई भी इस तरीके की वीडियोस अपलोड करूँ आप सभी के लिए आईफोन से रिलेटेड, तो आपके पास डेफिनेटली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी रिसीव होना चाहिए। चलो अब गाइस यहाँ पे बढ़ते हैं। आई होप चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो इस गाइस ऑसम से लुक को देने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको एप्पल स्टोर पे जाना है। एप्पल स्टोर पे जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च करना है टॉप विजिट्स। एंड जी दोस्तों, आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही लगने वाली चीज़, आपको यहाँ पे सिंपली टॉप विजिट को आप सेलेक्ट कर दें, सर्च कर दें। ऑलराइट, आप गाइस सामने देख पाएंगे हमारी जो एप्लीकेशन है निकल के आ जाती है। जस्ट गाइस इसको आप डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करें। तो ये रही गाइस हमारी एप्लीकेशन, मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है। अब मैं गाइस इसको ओपन करूंगा आप सभी के सामने। ओपन करने के बाद दोस्तों आप सभी यहाँ पे देख पाएंगे कुछ इस तरीके का इसका एक इंटरफेस निकल के आ जाता है। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डायनामिक आइसलैंड रेकमेंड लॉक स्क्रीन। तो आपको यहाँ पे रेकमेंड पे क्लिक करना है। जी हाँ, तो आप सभी को रेकमेंड जो है सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप सभी के सामने देखने को मिल जाता है शॉर्टकट 2.0। आपको इस पर क्लिक कर देना है गाइस, ठीक है। आप जैसे आप क्लिक कर देंगे तो देख लेंगे हमारे सामने डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन जो है शो हो रही हैं। एंड इन एप्लीकेशन पर आप टैप ऑन करके जो आप इन एप्लीकेशन को हटा के अपनी फेवरेट एप्लीकेशन सेट कर सकते हैं। गाइस यहाँ पे आप जैसे मैं स्पॉटिफाई को हटा के अपना सेटिंग्स एप्लीकेशन को सेट करना चाहूँगा तो जस्ट वन क्लिक के अंदर मेरी सेटिंग्स एप्लीकेशन अप्लाई हो जाती है। ठीक इसी तरीके से आप जो है कोई भी एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल गाइस आप जैसे फेसबुक को रहने देते हैं, ट्विटर को हटा के आप जो है कोई दूसरी एप्लीकेशन सेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप जो है व्हाट्सएप एप्लीकेशन को रख सकते हैं, आप टिकटॉक को हटा के कोई और एप्लीकेशन या फिर स्नैपचैट या फिर इंस्टाग्राम, इस तरीके से गाइस आप सेट कर लें। एंड अब गाइस हमारा जो मेन प्रोसेस शुरू होता है, यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है चेंज इमेज। तो गाइस यहाँ पे आप जो कस्टमाइज़ करके जो अपनी एक फेवरेट इमेज भी लगा सकते हैं, अपनी खुद की इमेज भी सेट कर सकते हैं, जो कि मेरे को काफ़ी सही ज़्यादा सही लगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में गाइस आप इसकी देख लो शेप में आपको ये वाली शेप मिल जाती है और एक ये वाली शेप मिल जाती है, जो भी आपको ऑसम लग रही वो आप सेलेक्ट कर लेना। बैकग्राउंड में जाओ गाइस, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करो और यहाँ पे गाइस आप देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है, हो सकता है गाइस सबसे पहले मैं इसको रिमूव करना चाहूँगा गाइस आपके सामने, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है गाइस। तो रिमूव करने के बाद दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कैसे गाइस यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। मैंने इसको रिमूव कर दिया है, अब आप देख लो। और ये गाइस नॉर्मली आईफोन 10 है, मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ वॉलपेपर, आपको मैं बताऊँगा कैसे गाइस आप जो है किसी भी अपने आईफोन में ऐसे वाली लुक दे पाएंगे, ठीक है। तो सिंपली अब जो मैं गाइस यहाँ पे जाता हूँ अपनी इसी एप्लीकेशन पे, यहाँ पे तो यहाँ पे गाइस आप देख लो कुछ इस तरीके से। एक सेकंड गाइस मैं यहाँ पे इसको बैक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेकंड, हाँ ये रहा गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो इस तरीके से आ रहा है ट्रांसपेरेंट में। बैकग्राउंड में जाओगे तो बैकग्राउंड में गाइस आपको यहाँ पे क्लिक करना है ट्रांसपेरेंट पे और ये देख लो गाइस यहाँ पे आ रहा है चेंज, चेंज पे क्लिक करना गाइस, यहाँ पे आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा। अब आपको गाइस यहाँ पे दो स्क्रीनशॉट आपको अटैच करने होंगे, वो कैसे, आपको गाइस नॉर्मली सिंपली इस तरीके से बैक करना है, यहाँ पे थोड़ी सी ब्राइटनेस ज़्यादा कर लेना एंड अब आपको इस तरीके से होल्ड करके रखना है गाइस। एंड यहाँ पे जाएं खाली स्पेस पे एंड इसका स्क्रीनशॉट ले लें कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब गाइस सेम इसी का जो है एक बार इस तरीके से डार्क मोड ऑन करें, ठीक उसी प्रकार गाइस आपको एक बार जो है डार्क मोड को ऑन करना है। अब गाइस यहाँ पे आपको बैक करना है एंड गाइस दोबारा से आपको इस तरीके से होल्ड करके रखना है, खाली स्पेस करनी है एंड गाइस यहाँ पे दोबारा से एक डार्क स्पेस में जाके यानी कि डार्क मोड में जाके स्क्रीनशॉट ले लेना। हमारे पास दो गाइस स्क्रीनशॉट हो गए, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बैक करें एंड देख लो। पहले में गाइस आपको यहाँ पे नॉर्मली यानी कि लाइट स्क्रीनशॉट जो लिया था आपने वो सेट करना है। तो गाइस हमने पहले वाला लाइट लिया था, ये वाला देख लो गाइस यहाँ पे लाइट वाला सेट हो चुका है। यहाँ पे गाइस डार्क मोड में जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था वो गाइस अटैच कर दे, ठीक है। देख ले गाइस हमारे पास दोनों हो गए, अब गाइस कुछ भी नहीं करना, बैक कर दे। बैक करने के बाद अब आप गाइस यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारा जो गाइस यहाँ पे जो होगा अब इसको यहाँ पे सेव कर देना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे, चलो गाइस हम सेव कर देते हैं, हमारा गाइस यहाँ पे सेव हो चुका है। अब इसको गाइस यहाँ पे सेट कैसे करना है, सेट करने के लिए आपको इस तरीके से होल्ड करके रखना है, यहाँ पे प्लस के आइकन पे जाएं, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है गाइस यहाँ पे एंड देन गाइस यहाँ पे आपको सर्च करना है टॉप विजिट्स, ओके टॉप विजिट सर्च करें।
इस तरीके से कहीं जाएँ, यहाँ पे आपको मीडियम में मिलेगा, राइट, आपको मीडियम में मिलेगा जो आपने सेट किया, इसको मीडियम में जाना है, मीडियम में मिलेगा, इसको टॉप विजेट पे क्लिक कर दें। एंड गाइस अब आपको यहाँ पे जैसे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको गाइस यहाँ पे चूज पे क्लिक करना है, करंट पे जाके, एंड जो गाइस आपने क्रिएट किया होगा वो आपको ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाएगा। तो फॉर एग्जांपल गाइस हमने जो आई थिंक जे वाला क्रिएट किया है, तो इस पे गाइस हमने सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ट्रांसफर देखने को मिला, इसको गाइस कुछ भी नहीं करना है, ट्रांसफर में जाके गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ये आप कहाँ रखना चाहते हैं, टॉप पे रखना चाहते हैं, सेंटर में या फिर बॉटम में। तो गाइस मैं बॉटम में सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद दोस्तों इसको बैक कर दें, एंड बैक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं गाइस हमारे सामने ये इस तरीके से आ जाता है। इसको गाइस इस तरीके से करते हैं, एंड देन गाइस आपको यहाँ पे इस तरीके से इसको होल्ड करके यहाँ पे लाना है, और एक सेकंड गाइस ये जो इसका शायद हाँ आप देख लेगा यहाँ पे जो इस तरीके से हो चुका है। तो चलिए गाइस काफ़ी ज़्यादा मेरे को सही लगा इस चीज़ को गाइस, इस तरीके से आप जो इस आईफोन में ये वाली चीज़ गेट कर सकते हैं। यही नहीं गाइस आप कोई भी अपनी फेवरेट एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको सही लगता है। तो एंड इसी तरीके की और वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ गाइस मेक श्योर करेंगे यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रिक्वेस्ट है। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्लीज़ आप फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।